हाँ तो चलिए जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। हमने तो मेरे पास ये विंडो 10 की डिस्क है, ठीक है, आपने भी ले लेनी है। कोई सी भी हो, कोई मसला नहीं है, 32 बाइट में हो या 64 बाइट में हो, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। आपने अपने सिस्टम को ऑन रखना है। ये डिस्क निकल आई है जी, ठीक है। ये आप ठीक है, डिस्क हमने, अच्छा जी, ये है जी हमारे सीपीयू का सीडी रोम। तो हमने करना क्या है कि इसके अंदर हमने ये डिस्क डालने, ये ऑन हो गया, ठीक है। ये हम डालने लगे हम अपनी डिस्क, तो ये हमने डिस्क डाल दिया और ये हमने कर दिया इसको बंद, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, सिंपली अपने सिस्टम को करना है रिस्टार्ट, ठीक है। और ये मैं रिस्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। रिस्टार्ट, ये रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए जी, हमने करना क्या है जी, हमने F12 का, जो जैसे ही ये रिस्टार्ट होगा सिस्टम, हमने हमारा ये जो F12 का बटन है, F12 याद रखना, हमने इसको लगातार प्रेस करना, ठीक है। ये देखिए, ये हमने प्रेस करते रहना, ठीक है, ये जब तक ये ऑप्शन ना आ जाए, ठीक है। ये अब ऑप्शन ओपन हो गए हैं, ठीक है। मेरे पास जो है ये थिंक केयर वालों, यानी कि लेनोवा का जो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर F12 काम आता है। और अगर डेल का सिस्टम होगा उसमें भी F12 ही लगेगा, ठीक है। और जो HP का होगा उसमें F10 यूज़ होगा, ठीक है। अक्सर स्पेस भी यूज़ करनी पड़ जाती है, ये जो स्पेस का बटन है, स्पेस बार वाला जो बटन है ना, ये वाला हमने यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए जी, अब हमारे पास ये, हमारे पास जो विंडो का ये जो सीन ओपन हुआ है LCD के अंदर, अब यहाँ पे जी हमारा माउस काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ काम करेगी जी, यहाँ पे जो एरो के बटन्स होते हैं, ये हमारे कीबोर्ड पे जो एरो के बटन है ये वाले, ठीक है। यहाँ से हम अप डाउन करेंगे और किसी चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है तो हम इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो देखें ये सामने आपके ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे उसने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप ऑप्शन देख लें, पहले नंबर पे उसने HDD1 एक ड्राइव बताई हुई है। ये दूसरे नंबर पर आप देख लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है CD DVD, यानी कि एक ये ड्राइव है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्क डाली है तो हम ये जो DVD वाली जो ड्राइव है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए जी, हम इसको सिलेक्ट करते हैं ये नीचे वाले एरो की मदद से। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली क्या नाम लेते हैं, इंटर का बटन दबाना है, ठीक है। ये हमने इंटर का बटन दबा दिया और ये अब विंडो का जो प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पेस का बटन दबाना है, वो बता रहा है कि जी एनी प्रेस बटन, ठीक है। तो ये हमने दबा दिया। चलिए जी, हमारी विंडो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। आप तसल्ली से वीडियो देखेंगे तो मतलब कि आपको अच्छे तरीके से विंडो करना आ जाएगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, कोई भी पार्ट आपसे छूट जाता है, तो फिर किसी किस्म की शिकायत मत कीजिएगा। तो इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, ये अभी हमारे पास ऑप्शन जो है वो ओपन हो गए हैं, ठीक है। विंडो का जो ऑप्शन आ गया, यहाँ पे वो हमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है जी, वो हमें बता रहा है कि हमारे पास जो, ये कह रहा है जी लैंग्वेज है, ठीक है। ये अभी हमारा माउस काम करेगा, ठीक है। ये लैंग्वेज, ठीक है, हमने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है, किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। सिंपली जो यहाँ पे ये जो बटन है, ये जो नेक्स्ट वाला है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ये हम क्लिक करेंगे, हमारे पास अभी ऑप्शन आ गया इंस्टॉल नाउ का। हमने अब करना क्या है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना जी। ये है अब जो प्रोसेस है, ठीक है, ये सेटअप स्टार्ट हो गया। ये ने जी, अब हमारे पास ऑप्शन खुल गए हैं विंडो के सेटअप का। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मेन चीज़ है कि हमने विंडो करनी कौन सी है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो 10 होम, ये नॉर्मली होती है यूज़ करने के लिए, ठीक है। 86 जो है, इसका मतलब है 86 बाइट, मतलब ये भी 32 बाइट में ही शामिल होता है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे कि जो
86 बाइट में, यानी कि 32 बाइट में चल जाते हैं, कुछ होते हैं जो 64 बाइट में चलते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 64 बाइट के ही करें विंडो, ताकि हर सॉफ्टवेयर जो है क्या नाम लेते हैं वो रन हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ के सामने ना, ये देखिए ये OEM एक्टिवेटेड, मतलब कि हमें अगर हम ये वाली करेंगे ना जिसके सामने OEM एक्टिवेटेड लिखा है, तो इसमें हमें करना ये है कि हमें कोई प्रोडक्ट की लगानी नहीं पड़ेगी, एक्टिवेटेड विंडो ही इंस्टॉल होगी। तो हमने नीचे आना, ठीक है, रोल को घुमाना है माउस के ऊपर वाले, वरना हम यहाँ से भी इसे अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे डाउन करते हैं तो ये देखें नीचे, ये सामने देखें यहाँ पे ना, ये 64 बाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जो रेकमेंड करूँगा वो, अगर आपने मिसाल के तौर वर्किंग के लिए इंस्टॉल करनी है विंडो, तो आप ये प्रो कर लें, ठीक है, इसमें हर सॉफ्टवेयर रन हो जाता है। हमने करना क्या है, इसके ऊपर एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करना है, ये देखें, ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने करना क्या है, सिंपली ये जो नेक्स्ट का बटन है हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी जो आगे का प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं जी, ये जो आगे का हमारे पास जो आगे का सिस्टम, हमने क्या करना है, अभी वो हमसे पूछ रहा है कि जी हमारी जो शरायत हैं क्या वो आपको मंजूर हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो ये है वो कह रहा है कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, यानी कि हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है, टिक का निशान कर देना, ठीक है, फिर हमने कर देना सिंपली नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जी, देखें हम ऑनलाइन विंडो तो इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम डिस्क के ज़रिए कर रहे हैं, तो हम ये जो ऊपर वाला सिस्टम है इसको नहीं छेड़ेंगे, नीचे वाले पे आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है गौर से देखें, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली, ठीक है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करना है ऐसे माउस से, ठीक है। अब ये देखें जी, ये क्या चीज़ है, मेन चीज़ जो होती है यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जो हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी जो पार्टीशन हुई हुई होती है, मतलब कि एक सी ड्राइव होती है, एक डी होती है, एक ई होती है, जितने भी पार्ट बने होते हैं, हमने जो विंडो करनी होती है वो करनी होती है सी ड्राइव में। अब हमें ये याद रखना होगा कि हमारी जो सी ड्राइव थी उसकी जो स्पेस थी वो टोटल कितनी थी। मेरी जो सी ड्राइव थी उसकी स्पेस मैंने रखी हुई थी 100 GB, ये देखें 99.5 GB, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आगे वो बता रहा है कि फ्री स्पेस 63 GB, यानी कि बाकी मेरा डाटा इसके अंदर ही इंस्टॉल था, जो ओल्ड विंडो है वो इंस्टॉल है। हमने करना क्या है जी, इस विंडो को हमने जो ये जो पार्ट है ये वाला जो ये पार्टीशन है, इस ड्राइव को हमने कर देना फॉर्मेट, क्योंकि हमें अब ओल्ड विंडो नहीं चाहिए, हमें न्यू विंडो करनी है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये अगर आप थोड़ा सा नीचे गौर करें, ये नीचे बार के नीचे देखें, ये फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये डिलीट डिलीट के साथ, हमने डिलीट पर क्लिक नहीं करना गलती से भी, हमने सिर्फ फॉर्मेट करना है ये फॉर्मेट, ठीक है, और वो ओके कर देना, ठीक है। अब ये फॉर्मेट हो रही है, ये ले जी हमारी जो ओल्ड विंडो थी अब हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसमें से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जो बाकी जो ड्राइव है उनमें से कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी, इस चीज़ की टेंशन, क्योंकि हम बाकी ड्राइव्स को छेड़ ही नहीं रहे, क्योंकि ये वाली जो ड्राइव हम इनको ना ही फॉर्मेट कर रहे हैं ना ही डिलीट, हमारा ये डाटा सेव है। लेकिन जो सिर्फ सी ड्राइव वाला है जिसके अंदर विंडो थी वो हमने फॉर्मेट किया, क्योंकि हमने इसके अंदर दोबारा से विंडो करनी है। अभी देखें ये मेरी मुकम्मल 100 GB की रहेगी, यानी कि 99.5 GB ये शो इतनी ही होती है। हमने इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अभी ये जी हमारी विंडो होना शुरू हो गई है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ना टाइम लेगी, ठीक है, ये जो है 100% होना है, ठीक है, ये जो 100% होगा, तो मैं थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये 100 होता है फिर हम मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें मेरा जो है वो प्रोसेस 100% हो गया, ठीक है, और ये सारे टिक्स भी आ गए हैं, ठीक है। अभी ये जो थोड़ा सा प्रोसेस रहता है फिनिशिंग अप होता है जैसे ही, तो अभी ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा, यानी कि हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई है। जो आगे का प्रोसेस है, मतलब कि जो आगे का जो सेटअप है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये अभी हो रहा है, हम डायरेक्टली भी रीस्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ये 5 सेकंड में भी हो जाएगा, ठीक है, ये जो सेकंड्स दिए हुए हैं। तो जी अभी हमारा सिस्टम ये देखें ये रीस्टार्टिंग पे लग गया है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके सिस्टम, जब कोई भी अक्सर सिस्टम स्टार्ट होते हैं तो कुछ ऑप्शन मांगते हैं कि जी प्रेस F1 या प्रेस इंटर, तो आपने वो प्रेस कर देना है, ठीक है। अक्सर कोई ड्राइव का मसला होता है तो इस वजह से होता है, मेरी तरफ ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर किसी का कोई ऐसा एरर आ रहा है तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है,
ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये रेडी होने लगी है अब विंडो, ठीक है। तो अभी जो आगे का सेटअप है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में विंडो टाइम लेती है ऐसे इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अच्छा जी, ये हमारा सिस्टम जो है दोबारा से एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास ऑप्शन खुल गया, ठीक है। आगे विंडो चल पड़े, जो सेटअप था वो हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। तो देखें जी, यहाँ पे ये एक दफ़ा ना प्रोडक्ट की मांग रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखे थे डॉट्स, क्या नाम है, डू दिस लेटर का है, मैं बाद में मैं इस सिस्टम करूँगा, इसका मतलब ये है। तो हम डू दिस लेटर कर देंगे सिंपली, ठीक है। डू दिस लेटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिंपली यहाँ पे यूज़ एक्सपीरियंस सेटिंग पे कर देना क्लिक, ठीक है। अच्छा चलें जी, ये हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि जी आपका जो अकाउंट है वो अब क्रिएट करने जा रहे हैं हम, तो आप अपना नाम दे, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है, कुछ भी दे देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी यूट्यूबर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूबर लिख दिया, सॉरी, नंबर लॉक मेरा ऑन था, एक मिनट। ये जी मैं यूट्यूबर मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। नीचे कह रहा जी पासवर्ड, ठीक है। आप पासवर्ड यहाँ यहीं से सेट करना चाहें तो यहीं से सेट कर लें, वरना आगे मैं यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मैं स्पेशली पासवर्ड और सिक्योरिटी पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कोई पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, क्यों, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो है, यहाँ पे पासवर्ड हिंट होता है कि मतलब कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, 3-4 दफ़ा रॉन्ग पासवर्ड लगाएंगे, तो आप यहाँ पर कोई हिंट दे सकते हैं, ताकि रॉन्ग पासवर्ड जब भी लगे तो वहाँ पर हिंट आ जाए कि आपको याद रहे इस हिंट से कि ये पासवर्ड लगाया था। चल जी, मैं कोई पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ, आपने यहाँ पे सिंपली अपना नेम लिखना है, पासवर्ड सेट करना चाहें तो कर लें, वरना आपने कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि टाइम लेगा, टेंशन नहीं लेनी, समझे। हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। ये देखें जी, ये अब हमारा कर रहा है वेलकम। अभी आप चाहें तो अपनी डिस्क को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, विंडो 10 और विंडो 7, इन दोनों का सेम ही तरीका है इंस्टॉलेशन का, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जी विंडो 7 का पता नहीं कौन सा तरीका होगा इंस्टॉल, सेम यही तरीका है। हमने विंडो 10 इंस्टॉल की है, विंडो 7 इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी यही तरीका है। और जो हमारा जो आगे कोर्स आने वाला है वो टोटली विंडो 10 पे है, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ यही है। अब ओल्ड चीज़ों में जाना बेफजूल है, क्योंकि विंडो 7 वो चीज़ें नहीं चला सकती जो विंडो 10 चला सकती है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप विंडो 10 ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आगे मैं कोर्स करवा रहा हूँ मुकम्मल, वो विंडो 10 पे ही है, विंडो 10 से ही मैं सिखा रहा हूँ। तो आप भी विंडो 10 ही इंस्टॉल कीजिएगा, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। चलें जी, ये लेट्स स्टार्ट हो गया। ये जी, ये हमारे सिस्टम की फ्रंट स्क्रीन आ गई, हमारी समझे विंडो इंस्टॉल हो गई है। अब हम अपने कंप्यूटर को रन कर सकते हैं, ठीक है। देखें, ये चल रहा है हमारा सिस्टम, ठीक है। विंडो इंस्टॉल हो गई है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ विंडो इंस्टॉलेशन सिखानी थी, आगे की जो वीडियोज़ हैं हम उसके वो जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसके अंदर फ्रंट स्क्रीन और ये टास्क बार, मुकम्मल हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक अलग अलग वीडियो डिटेल से मैं बना रहा हूँ, ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल तरीके से आप ये सीख जाएं। कहीं और जाके फीसें भरने की ज़रूरत नहीं है, यह कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री है, इसके आपने कोई कॉस्ट अदा नहीं करनी। और कोशिश करें कि आप अपने रिश्तेदार, जो हमारी बहनें बेटियां घरों में बैठी हैं, ठीक है, स्टडी करने के बाद, हम कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि अलाउ नहीं किया जाता लड़कियों को बाहर जॉब करने के लिए, तो हम यहीं बैठ के वो अपना फ्यूचर समझ लेंगे, बना सकती हैं। ऑनलाइन में इतनी फील्ड्स हैं, इतनी फील्ड्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। और इस चैनल पे मैं इतने कोर्सेज लेके आने वाला हूँ कि जिस हर फील्ड का कोर्स होगा जो कि ऑनलाइन होगा, टोटली ऑनलाइन आप अर्निंग करेंगे, ऑनलाइन ही वर्क करेंगे और घर बैठे करेंगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 2-3 घंटे वर्क करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले न्यू कोर्सेज़ और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।